कूद कूद जाऊं नीचे पड़ूं टू टा टू, कूद कूद करूं पुर्चा नीचे पड़ूं ताम तून। चेहरे पर मुस्कुराहट और दिला में जज्बात अगर हो तो बेकहानियां अपने आप में पूरे देश ने और सृष्टि ने बदल सके है। लेकिन उम्र कम हो और उम्र कम होने के सागे सागे जकी अंदर री जकी क्वालिटी है वह वाकई में उच्च क्वालिटी बन जावे तो अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा जबरदस्त और काबिलियत भरी बात हुए। राम राम नमस्कार, जय राजस्थान जय राजस्थानी, और मैं सुदेश राजस्थानी, आज जय हरियाणवी भी मैं कहूँगा। आज मैं जकी लोकेशन पर बैठे हूँ करीबन एकदम सीमा पर, यानी कि कुछ दूरी 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूरी पर भरतपुर है, अपनो राजस्थान है। लेकिन एकदम राजस्थान और हरियाणा की एकदम सीमा पर एक गांव बसेड़ो है जैके गांव में मैं बैठे हूँ। वाकई में एक गांव में एक बच्ची है जो बहुत ही सुपरस्टार है, बहुत ही टैलेंटेड है। अब टैलेंट क्या है वह टैलेंट के बारे में बातचीत करूँगा, और ई रोज को टैलेंट है वो थार सामी रखने की मैं कोशिश करूँगा। ई एरिया में ई बच्ची ने सब कोई जाना है, मतलब राधिका बहुत ही शानदार, और मियाँ घर है इन्हें राधे कह, और राधे कहन ती तेरे नाम एक जगह पिक्चर हुई है रिलीज भी को, मतलब स्मरण हो जावे याद आ जावे। तो आप है ना स्कूल में पायल बोलते हैं, स्कूल में पायल मतलब कितनी इंटेलिजेंट है। राम राम नमस्कार ही कौन करी पहला ही, मतलब स्कूल में पायल बोले राम 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 जी। आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैथ में मैं मतलब मुझे मैथ सबसे ज्यादा आता है, मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मैं उसमें आगे निकलना चाहती हूँ। और उसके बारे में मतलब कि मैं इसे जो भी मतलब 12th तक मैं पढ़ा चुकी हूँ हमारे चैनल पर क्लास विद पायल पे, आप देखिए उस पे जाके, मैं उस पे पढ़ा चुकी हूँ 12th तक मैथ। और अभी कौन सी क्लास में हो रहे? अभी मैं 10th में हूँ, मैंने 8th क्लास से स्टार्ट किया पढ़ाना और अब 12th तक कंप्लीट हो चुका, 12th चल रहा है मेरा। हरियाणवी भाषा आई है के? जो मतलब थे बोल रहे हो हरियाणवी भाषा हुआ? नहीं हरियाणवी नहीं आती, मतलब नॉर्मल आती है पर इतनी हरियाणवी नहीं आती। राजस्थानी भाषा हुआ? नहीं समझ नहीं आवा मैं बोल रही हूँ जो आ जाता है समझ, थोड़ा थोड़ा आता है पर ज्यादा नहीं आता, कोई कोई वर्ड जैसे आता है वो नहीं आता आपका। आज ऑडियंस ने बता दियो कि मतलब मेरे कोई वीडियो देखे होते पहला, आज पहला कोई वीडियो देखे आपका? हाँ बहुत देखती हूँ मैं, डेली देखती हूँ हमारे चैनल में, आप सब्सक्राइब हैं और आपकी वीडियोस मैं डेली देखती हूँ। तो भाई हरियाणा तक आपनों जो राजस्थान में प्यार है, हरियाणा का लोग प्यार दे रहे सीमा पर, आज सब खूबसूरत बात है। मैं कुछ चैलेंज दूंगा, वो चैलेंज एक्सेप्ट करना है आपको, मतलब मेरे को चैलेंज दोगे? यस मैं एक्सेप्ट कर सकती हूँ, बोलिए। मतलब 5 बार रिपीट करना है जोर से, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, और जीभ नहीं लड़खड़नी चाहिए मेरे को। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का मतलब 8th क्लास में पढ़ाना नहीं 12th क्लास में पढ़ावे, लेकिन सुदेश राजस्थानी को चैलेंज नॉट एक्सेप्टेड। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का। दूसरी बार बेल, नहीं 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 रिपीट वापिस, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। मतलब राजस्थानी कुछ भी कर सके, कुछ भी कर सके, मतलब 10th में खुद पढ़ रही हो, 12th आलन तू मतलब एकदम पढ़ा रही है, कहीं थे पढ़ा रहे हो अपने गणित पढ़ा रहे हो, साइंस पढ़ा रहे हो, अंग्रेजी पढ़ा रहे हो, जो थारू सीनियर है पाने पढ़ा रहे होते, लेकिन एक सुदेश राजस्थानी को चैलेंज एक्सेप्ट कौन कर सके। एक मौका और दूंगा, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का। तो स्वीकार करो कि हाँ राजस्थानी सुपर हिट। यस राजस्थानी सुपर हिट। मतलब यही करके मतलब राजस्थानी है, मतलब आप जुगाड़ में हमेशा आगे रहे, मन था है कि अगर इन जनरल नॉलेज को क्वेश्चन पूछ लियो तो जवाब दे देगी, अगर मैथ को पूछ लियो जवाब दे देगी, साइंस को पूछ लियो जवाब दे देगी, कंप्यूटर को पूछ लियो जवाब, सारों को जवाब दे सके, लेकिन राजस्थानी जुगाड़ को जवाब दे रो मुश्किल है। मतलब सोचियो कि मतलब सुदेश जी मतलब इसो भी प्रश्न पूछ सके, कच्चा पापड़ का? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था कि आप ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ नहीं बोल रहा, नहीं 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 बोल पा रहे हो ना। तो मतलब और राजस्थानी चैलेंज स्वीकार, मतलब स्वीकार कौन करे हो। अब बात करेंगे पायल की, जो जिंदगी में मतलब बहुत कुछ करना चाहो, जो बच्चा मतलब बहुत कुछ करना पर प्लेटफॉर्म कौन मिले, लेकिन आप रखने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ई एरिया में बहुत जबरदस्त नाम है कमाइडो थारो, तो इन मतलब कहीं सोचो थे मतलब थारी जो उम्र का जो बच्चा है, भी बच्चा के प्रतिभा है लेकिन फिर भी वे मिसयूज कर रहे हैं कठिन कठिन, कारण क्या है? कारण ये, मेरे मम्मी पापा मुझे कुछ बनाना चाहते हैं, ये प्लेटफॉर्म मेरी मम्मी ने मुझे सबसे पहले दिया था, और ये मैं बचपन से मतलब कि
फिफ्थ सिक्स से क्लास शेयर करते हैं, लेकिन मैंने एट्थ से स्टार्ट किया फिक्स। जब मैं फिफ्थ में या सिक्स में थी जब भी मेरा चैनल खुल गया था, लेकिन मैंने एट्थ क्लास से, जब मैं एट्थ में आई जब से स्टार्ट किया था। मेरा भाई भी बनाता है, वो बनाया था पर उसका मतलब चला नहीं अभी। वो स्टार्ट कर रहा है अपना बनाना। तो मेरी मम्मी पापा मुझे कुछ बनाना चाहते हैं, इसलिए मैं सिर्फ मम्मी पापा की बात ही मानती हूँ, इसलिए मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे हूँ। मतलब मेरा नाम इतना है, IAS लेवल मतलब चूज करना है। हाँ, IAS लेवल चूज करना है, और ट्वेल्थ के बाद मतलब ट्वेल्थ में टेंथ में फर्स्ट स्टैंडर्ड आना है। उसके बाद मुझे आर्मी में जाना 4 साल के लिए, उसके बाद उसके निकल के बाद मुझे IAS बनना। मेरा ये आर्मी में जाना है, अग्निपथ, अग्निपथ में जो अग्निपथ जो योजना है माननीय प्रधानमंत्री जी की, मतलब इनकिया मतलब बदलाव में खुश हो या कोनी? फिर खुश है, क्योंकि इसलिए खुश है, अगर फौजी बन जाते हैं तो उसमें पूरा मतलब पूरी जिंदगी चली जाती है, लेकिन इसमें देखिए फौजी भी बन जाएंगे, नाम भी हो जाएगा, और आगे हम कुछ पढ़ भी सकते हैं, और जो उसमें रह के हम पढ़ भी सकते हैं, जब 4 साल उसमें हम रहेंगे तो उसमें हम पढ़ भी सकते हैं, इसलिए वो अच्छा है, बेस्ट है, बेस्ट है। मतलब सर, मतलब अग्निपथ है जो युवाओं के लिए एक बेस्ट विकल्प है, बेस्ट विकल्प है, बेस्ट विकल्प है। अब मैं कुछ और मैं पूछूंगा थाना प्रश्न पूछूंगा कि जो गीता को ज्ञान है, मन सुनन माई है कि गीता भी मतलब सुबह शाम थे शायद रीड करो। हाँ, गीता भी मैंने स्टार्ट ही किया है, कुछ ही दिन हुए हैं, 3-4 दिन ही हुए हैं जिससे मैंने स्टार्ट किया है। अभी तो सिर्फ उसमें ये बताया गया कि युद्ध स्टार्ट होता है, किसने किससे स्टार्ट किया था। तो मुझे गीता पढ़ने का भी बहुत शौक है, अभी मैंने बड़ी हो गई तो मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। मम्मा ने बहुत दिनों से ला के रख रखा थी, और रामायण भी रखी है, तो वो हम पढ़ते हैं। गीता जो मतलब सिखा हुआ है, जहाँ पहलो अध्याय पढ़ियो, दूसरो अध्याय पढ़ियो, गीता वास्तविकता में अंदर चेंज करे आदमी ने? चेंज करती है सर, रियली में चेंज करती है वो। अगर भगवान की भक्ति में हम घुसते हैं ना तो दुनिया को भूल जाते हैं। हम अब लड्डू गोपाल जी भी लेके आए, उनकी भी हम सेवा करना स्टार्ट करेंगे अब। मतलब आध्यात्मिक होना हूँ, थोड़ो सो अंदर हूँ, एक अलग जगह है। हाँ, अलग उत्साह सा जगता है एक कि भगवान भी कुछ चीजें हैं, क्योंकि जो भी हम मांगते हैं ना वो हमारी ऑलमोस्ट पूरी हो जाती है। भगवान से जो मांगते हैं हम, हमारी पूरी हो जाती है। साइन थीटा कोस थीटा जो वो एक फैक्टर, मतलब भाई साहब मेरी समझ में एनी टाइम बाहर रही है, बहुत ज़्यादा बाहर रही है। मतलब साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, मतलब मैं तो यहाँ कहता यार हाँ वो कोसेक है और सेक है, टेन है, कॉट है, मतलब वो जो लफड़ो, मतलब वो लफड़ो हमेशा आपने तो ऊपर कर गए हुए, 24 घंटा ही ऊपर कर गए हुए। और अभी तो टेंथ में सिर्फ 90 तक ही आते हैं, और जब हम 12th में जाते हैं तो 360 तक एंगल्स होते हैं ना, वो आते हैं हमारे 360 तक, अभी 90 तक ही है सिर्फ, बहुत कम लेवल पे। अगर हम ब्रॉड लेवल पढ़ते हैं तो बहुत बड़े होते हैं। तो इन थोड़ा सा समझाने को प्रयास करूंगा कि वो साइन थीटा कोस थीटा आखिर मैनेजमेंटिंग व्यवस्था क्या है, कहीं ये सब फॉर्मूला होते हैं एक टाइम, जैसे मैथ के हमारे फॉर्मूला थे साइन थीटा एंड कॉट थीटा, हमारे वो होते हैं परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस के बारे में सिर्फ ये बताया, जैसे हमारा बेस है और परपेंडिकुलर। अब हमारे इसमें कॉट थीटा निकालना है, तो उसका फॉर्मूला लगाएंगे हम, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का हम उसमें फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, तो सिर्फ इसमें वैल्यूज निकाली जाती है जो हमारे साइन थीटा वगैरह होते हैं ना। जीरो की जो खोज है बताया जाओ कि आर्यभट्ट है साहब बा खोज करी, तो मैथ में जीरो की तो वैल्यू है, जीरो जीरो की वैल्यू जब है जब वो वन के आगे लगी हो, अगर पीछे लगी हो तो वैल्यू नहीं है उसकी, या फिर इंसान के पीछे भी अगर वो आगे लग जाए तो बहुत वैल्यू हो, पीछे लगे तो कोई वैल्यू नहीं है। मतलब जीरो की वैल्यू आगे है न कि पीछे है। अभी अब अंग्रेजी पर बात करांगा, अंग्रेजी जो मतलब एक ब्रिटिश लैंग्वेज है, अपनी इंडियन अंग्रेजी लैंग्वेज है, तो मतलब वे थोड़ा सा मतलब फास्टली बोले और बीच वाला जो शब्द है वो एकदम गायब हो जाए, तो मतलब अंग्रेजी ने थे कहीं नजरों देखो कि मतलब बाली अंग्रेजी है जो शुद्ध है या फिर अपनी अंग्रेजी है शुद्ध है, दोनों में डिफरेंट कहीं है? अपनी अंग्रेजी और मतलब कि ब्रिटिश, ब्रिटिश अंग्रेजी सब वो थोड़ा अजीब टाइप से बोलते हैं, मतलब कुछ बोलते हैं और हम थोड़ा नॉर्मल, जैसे कि दैट इज बॉल, दिस इज बॉय, दैट इज बॉल भी बोलेगा, दैट इज बॉल, दैट इज बॉय, एंड ही इज माय सिस्टर, शी इज माय सिस्टर, ये मेरी सिस्टर, वो शी इज माय सिस्टर, ऐसे कुछ बोलते हैं। तो उसमें यही डिफरेंस है, वो थोड़ा अंदर से निकालते हैं और हम डायरेक्ट ही बोलते हैं, जैसे हम हरियाणवी बोलते हैं उसी टाइप से हम इंग्लिश को बोल देते हैं। अंतिम प्रश्न मैं पूछूंगा थाने, जो मतलब जर्नी स्टार्ट करी थे यूट्यूब पर, यूट्यूब पर डीमोटिवेट होया, मतलब एक थारो रिकॉर्ड है एक दिन के अंदर 40 वीडियो डालने, वो मतलब खतरनाक जुनून, जुनून था। और सबसे बड़ी बात, जब हम वीडियो शूट करते थे तो कभी कभी जब नहीं आता था ना तो ऐसा लगता बस रोने लग, पर मम्मा होती थी वो हमेशा मुझे मोटिवेट करती रहती थी। डीमोटिवेट इसलिए कभी कभी मेरे चैनल पर बिल्कुल व्यूज नहीं आते, लेकिन अब सही आते हैं, इसके कारण मेरी मम्मा है, वो मुझे बहुत मोटिवेट करती है इस चीज़ के ऊपर कि बेटा बनाओ, कुछ तो होगा, किसी दिन तो होगा, होगा जरूर, मम्मा ये कहती है। पढ़ाई के बारे में उस चीज के लिए चैलेंज है, लेकिन मेरे पे ये पढ़ाई में तो मतलब
अगर पढ़ाई के अंदर जानो है तो भाई कौन सो चैनल है? क्लास विद पायल। क्लास विद पायल भी जगह जार देख को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। ये वास्ते बिन्ने में पंगो लियो ही कोनी, आपा हमने राजस्थानी शॉर्ट सारो पंगो लियो है ताकि मन ध्यान है कि राजस्थानी भाषा के भाई ने चैलेंज है सो स्वीकार कौन कर सके। एक अंतिम ट्राई करा, एक बार और बोलिए आप। कूद कूद जाऊं नीचे पड़ूं टू टा टू, कूद कूद करूं पुरचा नीचे पड़ूं ताम तून। तो वे आई राधिका उर्फ राधे और क्लास विद पायल। तो अगर इनकी काबिलियत और अगर शख्सियत के बारे में थाने जानो है तो थाने जानो पड़ेगा क्लास विद पायल हरियाणा की शान है लेकिन राजस्थान केवल और केवल 1 किलोमीटर दूर रहे, यानी कि भरतपुर के एकदम सीमा पर। और आज ही बच्चियों में मुलाकात करने भरतपुर में आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर सर्च करियो ये बच्चे की क्वालिटी और क्वांटिटी देखने वास्ते। नमस्कार।